साथियों, देश के 5 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों की चुनौतियों के स्थायी समाधान का भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए चीनी के आयात पर 100% शुल्क लगाया गया है। चीनी निर्यात करने की भी अनुमति दे दी गई है। गन्ने पर प्रति क्विंटल जो अतिरिक्त मदद सरकार द्वारा दी जा रही है, वो भी सीधे सीधे किसानों के खाते में जमा करने का फैसला हमने लिया है। वरना पहले ये पैसे भी चीनी मिलों को उनके हाथ में दिया जाता था और चीनी मिलें मजा करती थी। साथियों, गन्ना किसानों का भला करने के लिए हम उनकी आय के साधन बढ़ा रहे हैं। इसके तहत कई दूरगामी कदम भी उठाए गए हैं। गन्ने से सिर्फ चीनी नहीं बने बल्कि उससे इथेनॉल भी बने, बायोफ्यूल बने, इसके लिए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। सरकार द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को भी बढ़ाया गया है। वैसे आपको बता दूं, ये टेक्नोलॉजी ये कोई मोदी के आने के बाद पैदा नहीं हुई है। अरे शरद पवार जी जिस सरकार में कृषि मंत्री थे वहां भी ये कर सकते थे, लेकिन उनको तो अपना चीनी की दुकानें चलाने में इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने किया नहीं, उनको किसानों की परवाह नहीं थी। लेकिन ये सौभाग्य भी मुझे ही मिला है। साथियों, सरकार द्वारा देश के कृषि व्यापार में सुधार भी किए जा रहे हैं। ग्रामीण हाटों को बड़ी मंडियों फिर दुनिया के दूसरे बाजारों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए देश के 22,000 ग्रामीण हाटों को विकसित किया जा रहा है। इन हाटों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। साथियों, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO उसको बढ़ावा देने का हमने काम उठाया। इन FPO सरकारी समितियों को हमने पूरी तरह इनकम टैक्स से छूट दे दी है, इनकम टैक्स फ्री किया है। किसान अपने उत्पाद में वैल्यू एडिशन कर पाए, मूल्य वृद्धि कर पाए, इससे भी उनकी आय बढ़ सके, इसके लिए सरकार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी बढ़ावा दे रही है। फूड प्रोसेसिंग में 100% FDI की मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस क्षेत्र में निवेश किए जा रहे हैं।